सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका हॉल। तो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या परचेज किया है फ्रॉम नायका, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑफकोर्स पिंक फ्राइडे सेल है तो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल गए। तो अगर आपको नहीं पता कि पिंक फ्राइडे सेल में आपको नायका से कैसे परचेज करना है, वो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैंने शेयर की है उसमें, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब मैंने ये शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मैंने परचेज किया। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑफकोर्स नायका का पहले इस तरीके का पैकेज आता है। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स लिया है। सबसे पहले मैंने जो लिया है, मैंने मिनिमलिस्ट का बहुत सारी शॉपिंग की है बिकॉज इस ब्रांड पे बाय टू गेट वन फ्री था, आई थिंक सो। उसमें एक फ्री प्रोडक्ट भी था, बहुत ऑफर थे एंड सब पे डिस्काउंट थे। ऑफकोर्स ये थोड़े से हायर रेंज पे आते हैं, 700-600 सारे उस रेंज पे आते हैं। इट्स नॉट हायर फॉर एवरीवन, बट हाँ अफोर्डेबल भी नहीं है एकदम, तो उस रेंज पे आते हैं। तो इसीलिए वो ऐसी प्रोडक्ट्स आप हमेशा सेल पे लिया करें, अच्छी डिस्काउंट मिल जाती है। एटलीस्ट 10% 20% तो डिस्काउंट आराम से मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है वो मिनिमलिस्ट का ये बॉडी एक्सफोलिएटर है। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो बेसिकली ये बॉडी की टैनिंग को हटाने के लिए काम आता है एंड हेंस मैंने ये परचेस किया है। मुझे ये ट्राई करना था, तो इनर पैकिंग कुछ इस तरीके की है इसकी। ऑफकोर्स इसे यूज करने के बाद इसकी जो रिव्यूज है वो या तो मैं शॉर्ट फॉर्म में या तो मैं लॉन्ग फॉर्म में कहीं ना कहीं पे शेयर करूंगी। मैंने इसे यूज किया है वंस, मतलब सिर्फ एक बार यूज किया है अभी तक, तो एक बार में तो रिजल्ट नहीं बता सकता। तो यस, रेगुलर यूज करने पे इसकी रिजल्ट्स में, सारी चीजों की रिजल्ट्स में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। कुछ चीजें हैं जो मैंने रीस्टॉक किया है तो उनकी तो रिव्यूज मैं आपको बता दूंगी। ऑफकोर्स रीस्टॉक किया है तो अच्छी होगी, तभी किया है, दैट इज फॉर श्योर। तो ये चीजें तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। तो या दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मिनिमलिस्ट का ये रेटिनॉल सीरम लिया है। दिस इज अ फेस सीरम, 0.3% का ये रेटिनॉल सीरम है। ऑफकोर्स अगर आप बिगनर हो, 0.3% से आप स्टार्ट कर सकते हो, देन आप इंक्रीज करें रेटिनॉल अगर आप अपने फेस में इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपके एंटी एजिंग, मतलब एजिंग के साइंस को डिले करने में हेल्प करता है। बहुत अच्छा होता है रेटिनॉल आपके फेस के लिए। अगर आप 30s में आ गए हो तो 100% आपको ये यूज करना चाहिए। पहले इस परसेंटेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप हायर परसेंटेज पे जा सकते हैं। इस पे काफी अच्छे इन डेप्थ वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसे यूज करना काफी अच्छी तरीके से बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स एक्टिव हम अगर एपनेस फेस पे लगाते हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। तो मिनिमलिस्ट का सब पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये मिनिमलिस्ट का ये हेयर ग्रोथ एक्टिव्स 18%। दिस इज अ हेयर सीरम बेसिकली। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये तो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, तो आई कांट से कि ये कितना वर्क करेगा। दिस इज हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट जो लिया है मैंने वो मिनिमलिस्ट का ये विटामिन बी प्लस कार्निटिन 0.3% स्कैल्प सीरम है। तो बेसिकली ये मेरे को बहुत ऑयली स्कैल्प है, लाइक आप देख सकते हैं मैंने आज सुबह वॉश किया था है, पर अभी ही वापस से ऑयल आने लग गया, बहुत ऑयली स्कैल्प है, तो उससे मैं बहुत परेशान भी हूँ। तो हेंस मैंने ये परचेस किया है। आई होप ये हेल्प करे मेरे ऑयली स्कैल्प को ठीक करने में। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो इनकी यूसेज करने के बाद मैं आपके साथ इसकी भी रिव्यू शेयर करूंगी। लास्ट मैंने मिनिमलिस्ट का जो ये लिया है ये मैलिक बोन रिपेयर कॉम्प्लेक्स 0.5% हेयर सीरम है। तो बेसिकली ये अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो ये बोन रिपेयर करने के लिए ये सीरम है। ये तो मैंने बहुत सुना था, मेरे को बहुत टाइम से लेना था,
एंड ऑफकोर्स अगर ऑफर में आ गया तो मैंने फटाक से ये पिक कर लिया। बेसिकली अगर आपकी बॉन्ड बहुत वीक है, आपके बाल बहुत वीक है, जल्दी से फॉल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉल हो रहे हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसको भी मैंने वन टाइम यूज किया है, क्योंकि ये अभी आए हैं सारे प्रोडक्ट्स, तो मैंने एक बार यूज किया और मुझे एक बार में ही काफी अच्छा रिजल्ट आया। बट आई एम नॉट श्योर कि ये इसी का रिजल्ट है या भी नहीं, तो लेट्स सी कि पहले मैं कुछ टाइम तक इसे रेगुलरली यूज करूंगी, देन कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी कि ये इसी का फायदा है या नहीं। बट एक टाइम यूज में तो मुझे काफी फायदा दिख रहा है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट जो मैंने ये लिया है, ये बायोडर्मा का फोटोडर्म क्रीम। बेसिकली इट्स अ सनस्क्रीन विथ SPF 50 एंड UVA एंड B प्लस एंड PA ट्रिपल नहीं 4+ एंड PA 4+। तो ये मैंने ट्राई करना था बिकॉज काफी अच्छा है। ऑफकोर्स सनस्क्रीन मिस नहीं कर सकते एंड बहुत यूज होता है, मतलब हर रोज यूज होता है। तो डिफरेंट सनस्क्रीन ट्राई करना था, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि कौन सा सनस्क्रीन बेटर आपके स्किन के लिए वर्क कर रहा है। तो एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे हुई इसके लिए कि अलग अलग मैं ट्राई करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि आपको उनमें से कौन सा लेना है। ऑफ कोर्स आपके बजट में जो होता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, इसलिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई भी करते हैं। तो बेसिकली इसकी फॉर्मूला बहुत अच्छी थी, एकदम क्रीम फॉर्मूला है, लाइक वाइट दिख रही है बट नो वाइट कास्ट, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे ये ट्राई करनी थी और इसलिए मैंने ये परचेस किया है। नेक्स्ट जो है ये रीस्टॉक है मेरा, ये मैंने पहले भी परचेस किया है, काफी मैंने यूज किया है एंड उसके बाद अगेन से परचेस किया है। वाव का ये वाइटामिन सी फेस सीरम, 20% विटामिन सी है, ये वन ऑफ माय फेवरेट विटामिन सी सीरम है बिकॉज मेरे स्किन को तो ये बहुत सूट करती है। हर किसी की स्किन अलग होती है, आई एम नॉट श्योर कि हर किसी को ये सूट करेगी या नहीं, बट मेरे स्किन पे ये बहुत अच्छे से सूट करती है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये प्लम का ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये टोनर मैंने वापस से रीपर्चेस किया है, तो मैंने ये पहले भी परचेस किया था एंड मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने ये दोबारा से रीस्टॉक किया है। बहुत अच्छा टोनर है, अंडर द बजट आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये प्लम का मैंने ग्रीन टी सेम वेरिएंट का मॉइस्चराइजर लिया है, दिस इज ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एंड फ्रेग्रेंस फ्री भी है, तो जिनको सेंसिटिव स्किन है वो ये यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। ऑफ कोर्स ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, मैंने अगेन से ये रीस्टॉक किया है, काफी लाइट वेट है, कोई भी सीजन में आप इसे वेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी स्किन ड्राई है देन आपके लिए ये नॉट सूटेबल होगा, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है नॉट सो ड्राई, नॉट सो ऑयली, नॉट सो नॉर्मल, सारा मिक्सचर है मेरी लाइफ की तरह, तो ये मॉइस्चराइजर उसके लिए एकदम परफेक्ट सूट होता है। और क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई का वेदर ह्यूमिडिटी से भरा पड़ा है, तो उसके लिए ऑयल फ्री होना बहुत जरूरी है। अगेन ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है, देन इट्स वेरी गुड, लाइक मेरी स्किन वैसे सेंसिटिव नहीं है एक्चुअली, बट पता नहीं कभी कभी हो भी जाती है, तो लेकिन प्रोडक्ट्स यूज करने में सेंसिटिव नहीं होती है, तो थोड़ी सी व्यूअर स्किन है मेरी लाइफ की तरह अगेन, तो बेसिकली ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी काम का है, तो आप वो यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। नेक्स्ट जो मैंने ली है ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की नेल पॉलिश, दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही अलग कलर था, मेरे पास ऐसा कलर कुछ भी है नहीं, रस्टी ब्राउन कलर है, तो इसीलिए मैंने ले ली। अच्छा कलर है एंड ज्यादा महंगा भी नहीं था, एंड इनसाइड की मैंने पहले भी ली है एंड उसकी भी मतलब अच्छी लॉन्जिविटी है, थोड़ा अच्छा चलता है, तो इसलिए मैंने फिर ये पिक कर लिया। नेक्स्ट जो है मुझे काफी टाइम से लेना था एंड मैंने तो इसकी इतनी एड्स देखी हुई है ना, मेरे को कम से कम हर बार यही रिकमेंड होता है, तो मैंने फाइनली इसे पिक कर लिया क्योंकि अच्छा डिस्काउंट मुझे मिल रहा था।
दिस इज लॉरियल पेरिस का इनफ्लेमेबल फुल वेयर कंसीलर. तो ये फुल कवरेज कंसीलर है. दिस इज हाउ इट लुक्स. मैंने शेड लिया है 312. परफेक्ट शेड है मेरे लिए. मतलब एक ब्राइटनिंग कंसीलर की तरह शेड है मेरा ये. दिस इज हाउ इट लुक्स. ऑफकोर्स मैंने थोड़ा सा ही लगाया, मुझे इसे वेस्ट नहीं करना है, महंगा भी है थोड़ा. एंड मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. मैंने जस्ट ट्राई किया था विदाउट एनी कलर करेक्टर, मैंने इसे ट्राई किया था एंड बहुत अच्छे से कवरेज किया था, बहुत अच्छे से कवरेज दिया था. मेरा पूरा डार्क सर्कल्स भी इसे ना हटा दिया था, इतना अच्छा कवरेज दिया था. तो बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है, लाइक ब्लेंड्स लाइक ड्रीम. आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है. एंड आप जरूर से ये ले, अगर एक प्रोडक्ट आपको लेना है इन सारे चीजों में से, दिस इज द वन. इन मेकअप ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. नेक्स्ट जो है एक मैजिक है. आई डोंट नो ये कैसे वर्क करता है, बट ये वर्क करता है. मैंने जब ये देखा था मैंने सोचा था कि ये वर्क भी करेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट ये वर्क कर रहा है. दिस इज इनसाइड कॉस्मेटिक का मेकअप ब्रश क्लीनर. दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही रिजनेबल है, 150 रुपीज का है. ऑफकोर्स इस पे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट हुआ होगा तो 140-130 का मुझे पड़ा होगा. ये मेकअप ब्रश क्लींजर है. ये मेकअप के ब्रश को इतने इजीली क्लीन करता है. कुछ भी नहीं है इसमें, ये एक स्पंज जैसा कुछ तो है. आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट स्पंज जैसा है. कोई लिक्विड नहीं, कुछ भी नहीं है. देन टू ये क्लीन करता है. मैं आपको डेमो भी दिखा देती हूँ. सो दिस इज द ब्रश. आई एम टेकिंग अ डार्कर शेड तो आपको ज्यादा समझ आएगा, फिर अब मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा. मैंने ब्लैक शेड लिया है. पहले मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ कि देखो सच में लिया है मैंने. एंड देन इसे मैंने इसमें रब किया. बस ऐसे घुमाना है और कुछ भी नहीं करना है. एंड ये क्लीन हो गया. लुक एट इट, बिल्कुल भी क्लीन हो गया. दिस इज रियली अ मैजिक. मतलब एकदम इजी टू हैंडल है यार, इजी टू यूज है. आप जब मेकअप कर रहे हो आपके पास एक दो ब्रश ही है, डोंट यू वरी, ये पास रखो. फटाफट से मेकअप किया, कुछ भी आई शेडो लगाया, इमिडिएटली इसे क्लीन कर लो, ये रब कर लो. एंड आई थिंक सो ये तो काफी चलेगा. इसको होगा ही क्या, आई डाउट कि इसका ये स्पंज टूट सकता है इन फ्यूचर. बट यार 150 रुपए का ही तो है, तो इससे बेटर ब्रश क्लीनर तो मैंने कभी नहीं देखा. वरना मैं अब तक इसे वॉश करती थी, वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है. पहले ब्रश सारे यूज कर लो, फिर मल्टीपल ब्रश चाहिए. अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो छोटे ब्रश, बड़े ब्रश, ये ब्रश, वो ब्रश, दुनिया भर के ब्रश चाहिए. क्योंकि एक पे पिगमेंटेशन लग गया डार्क वाला तो लाइट के लिए दूसरा यूज करना पड़ता था. बट इसमें फायदा ये हो रहा है कि सेम ब्रश हम बार बार यूज कर पा रहे, बस इमिडिएटली इसे रब कर लो, दैट्स इट, हो गया. कितना सिंपल बना दिया इसने मेरी लाइफ को. आई एम तो लविंग इट. मेकअप ब्रश क्लीन करना है आपको, ये जरूर से परचेस करें. बजट फ्रेंडली भी है एंड परफेक्ट है. इतना इजी है, इतना इजी तो कुछ भी नहीं था. एंड लास्ट प्रोडक्ट जो है वो मुझे फ्री प्रोडक्ट मिला था निविया का. ये पर्ल एंड ब्यूटी का रोल ऑन, इतना क्यूट सा छोटू सा रोल ऑन है. दिस इज नॉट फॉर सेल बिकॉज ये सिर्फ सैंपल प्रोडक्ट्स है जो आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट्स पे फ्रीबीज होते हैं, तो बेसिकली उसमें मुझे ये मिला था. निविया का रोल ऑन तो वैसे भी आई लव इट. मैं व्हाइटनिंग वाला रोल ऑन यूज करती हूँ नॉर्मली, बट ये भी अच्छा ही लग रहा है, फ्रेग्रेंस अच्छा है. यूज में आई डोंट नो, मैंने ये यूज कभी नहीं किया, मैंने हमेशा व्हाइटनिंग वाला यूज किया है, तो ये भी यूज करके देख लेंगे. सो या विद दिस वी कम टू एंड एंड. ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेस किए थे नायका से पिंक फ्राइडे सेल में, काफी अच्छे डिस्काउंट्स में. आप भी परचेस कर सकते हैं नायका के पिंक फ्राइडे सेल में. सारी लिंक्स जो होंगी मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट. इन केस यू लाइक इट यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर. दैट वॉज इट फॉर द डे. आई होप यू लाइक माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ नहीं हो मेरे चैनल पे तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।